से वह जो सोना देती थी, जब उसको भाजी नहीं मिल पाती तो उनकी सखियों से कहती है कि हे सखियों, हे दासियों, आप मेरे साथ जंगल की ओर चलो, क्योंकि हमारे जो पति देव है, राजा जी हैं, वह हमारे लिए भाजी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं खुद जाकर के और जंगल में और हरी हरी भाजी तोड़ूंगी और शौक से बना करके खाऊंगी। इस प्रकार से वह अपनी सखियों से कहती है। लेकिन जो रानी थी वह अपने स्वामी से कहती है कि स्वामी, अब मैं खुद जाऊंगी जंगल और वहां पर भाजी तोड़ करके लाऊंगी। ऐसी आज्ञा मांगती है किससे? याद राहुल, राजा से। तो क्या होता है आगे? हाथ जोड़ करके कहती है अपने पति देव से, क्या बोलती है कि जाऊं जंगल पहाड़िया में, आज्ञा मांगती किससे? अपने स्वामी से, पति देव से। हर जाओ जंगल पहाड़िया में, आज्ञा दे दो राजा, I'm gonna go get some more.
और क्या होता है आगे। अरे यही बीती जंगली को जब आई दासियां सभी जंगल में पहुंच जाती हैं, तो वहां पर केवलार की जो भाजी है उसको देख करके वह जो रानी थी वह बहुत उत्साह मनाती है कि चलो मेरी इच्छा पूरी हो गई, जब मैं जंगल आई तो मुझे भाजी मिल गई। ऐसा करके वह है जो केवलार की भाजी थी उसकी डरिया को ऐसा पकड़ लेती है और सारी सखियां इधर उधर सब बिखर जाती है भाजी तोड़ने के लिए जंगल में। जब डाली को पकड़ती है और सोना देती है और पकड़ करके ऐसा डाली को नीचे लगाती है, उसी समय बताया जाता है उसका पैर फिसल जाता है। जब फिसल जाता है तो जो पेट में जो शिशु था वह उसको झटका लग जाता है, अने उसका जो गर्भ अवस्था था वह पूर्ण हो गया था, अने पूरा होने जा रहा था, पूरा हो गया था। इसलिए जब वो जमीन पर गिरती है तो पेट में झटका लग जाता है। उसी समय बताया जाता है कि वहां पर जो काले काले मेघ थे, मेघ हो जाता है, अंधेरी सा जाता है और बिजली चमकने लगती है, कुछ बारिश भी होने लगती है, ऐसा बताया जाता है। जब वो गिर जाती है तो वहां पर एक सुंदर सी बच्ची का जन्म होता है। उसी समय जब वो बेहोश हो जाती है तो वहां पर बच्ची का जन्म होता है और जब वो चिल्लाती है तो सारी सखियां दौड़ करके आती हैं और वो केवलार की भाजी को वहां पर बिछा करके उसी के ऊपर रानी को सुला देती है। वहां पर एक बच्ची का जन्म हो जाता है, यानी साठ में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, यदि साठ नहीं बताऊंगा तो कथा और भी है लंबी, इसलिए मैं कम शब्दों में बता रहा हूँ, इसके आगे और भी बताना पड़ेगा। जब उस बच्ची का जन्म हो जाता है श्रृंगार द्वीप पर, इसको इसी को श्रृंगार द्वीप भी बोला गया है और ये धरती माता को मैनावल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैनावल दाई, धरती दाई। जब उस बच्ची का जन्म उस जंगल में केवलार की कलियों में उसका जन्म होता है, जब जन्म होता है तो सारा वातावरण सब शुद्ध हो जाता है, देवी का जन्म हुआ था, वो देवी हो जाती है, यहाँ पर हमें रोशनी छा जाती है। इस प्रकार से उसका जन्म हो गया कहाँ पर? कोमल कलिया में। जबकि बताओ वो राजा महाराजा थे, अने महल में हो रहा था ना बच्चे का जन्म, लेकिन वो तो देवी है, होनहार है, इसलिए उसका जन्म जंगल में हुआ और वह भी कोमल कलियों में। इसलिए जब वहां जन्म हुआ तो सारी सखियां पास में आ जाती हैं और पास में आने के बाद में फिर वह एक सखिया महल की ओर जाती है, वहां से रथ लेकर के आती है और उसी रथ में लिटा करके और महल की ओर फिर चली जाती है। अब यहाँ पर हमको दृश्य भी दिखाना पड़ता है, लेकिन पूरी व्यवस्था हम लोगों ने बता नहीं पाए यहाँ के लोगों को, नहीं तो हम पूरा दृश्य भी दिखा देते। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को वहां से उसकी माँ के साथ में सारी सखियों के साथ में सामने से लेकर के आती है, तो अच्छा लगता है उसको, ठीक है, यानी वही तो है अपना गोणी धर्म दर्शन, तो दर्शन भी हो जाता है उसमें, कुछ करके भी दिखाना पड़ता है, तो जब लोग आकर्षित होंगे। ऐसा वहां पर उसका जन्म हो जाता है
तो सारे वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। और जब महल पर आ जाती हैं सभी सखियां छोटी बच्ची को लेकर के, तो उस महल में खुशी छा जाती है। और जब बच्ची का जन्म होता है तो सभी नगरवासी सभी ग्रामवासी खुशियां मनाते हैं कि राजा के यहाँ आ जाओ, बच्ची का जन्म हुआ है, देवी का अवतार हुआ है, ऐसा करके वह शोर सूचक मनाते हैं, गीत गाते हैं, सोहर गीत गाते हैं। जब गीत गाया जाता है तो शायद हमारे उनके जी गीत गा करके भी बताएंगे, ज्यादा नहीं छोटा सा, अरे बच्ची के जन्म पर अलीगंज काली जाई का जन्म पर खुशियां मनाते हैं कि नहीं मनाते। अच्छा पितृ शक्ति आप लोग बताएंगे खुशी मनाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बच्ची का जन्म होगा तो बहुत लड़का होगा सभी के बड़े प्रेम से जिसको नाचने का मन करे वो नाचिक होंगे और नाचने वालों के लिए जो बैठे के वो तालियां हो जाएंगे। अच्छा हो भैया तुम बताए पहले सात बेधारी कितने हाथ ऊंचा करे, सात बेधारी बैंड के लिए सभी हाथ ऊंचा करे, अभी तो छह देव वाले गाना गा रहे हैं, तो सात देव वालों को नाचना पड़ेगा भैया, नहीं नाचेंगे नाचेंगे ना खुशी में, जब बच्ची का जन्म हुआ तो खुशी मनाना चाहिए, इसी प्रकार से जब खुशी के घर में बच्ची का जन्म होता है तो हमको नाचना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। ज्यादा लंबा नहीं छोटा, चमे 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 बिजली चमके, उरी छाई भटा Thank you.
Thank you.
भाई।